आजमगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार, भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ वाराणसी में पीएम मोदी के लिए वोट मांगने पहुंचे। लोगों ने उनके बीच पहुंचते से उनका अभिवादन स्वीकार किया। वे हाथ हिलाते हुए नजर आए। देखते ही देखते निरहुआ गाड़ी से उतरे और रिक्शे पर सवार हो गए। साइकिल रिक्शा चलाकर उन्होंने काशी के लोगों से मोदी को वोट देने की अपील की। दिलचस्प बात यह है कि निरहुआ ने चौकीदार चोर है नारे का जवाब नारे से दिया। निरहुआ ने कहा, मोदी जी का मिशन चला है वायरल कर दो जोरों से, पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। इस तरह की बात कहते हुए उन्होंने नया नारा बना दिया। उन्होंने ये जवाब दिया है चौकीदार चोर है का। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे हैं ये, और आजमगढ़ की चुनावी टक्कर दिलचस्प हो गई। ऐसी चर्चाएँ पहले से थी कि बीजेपी दिनेश लाल यादव को आजमगढ़ से टिकट दे सकती है।